हेलो सर, इस बार जो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का एग्जाम जिन एस्पिरेंट्स ने दिया है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हाल के वर्षों में जो है इंस्टीट्यूट्स वगैरह की एक जो है हमें साजिश नजर आती है। अब ये साजिश जो है वो जानबूझ के हो रही है या अनजाने में हो रही है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि एस्पिरेंट्स का जो है नुकसान हो रहा है। कैसे? मेरे पास एक स्टूडेंट आया, वो लास्ट ईयर ही जो है उसके 75 से ऊपर कट ऑफ थी, लेकिन जब उसने अलग अलग इंस्टीट्यूट के जो है ठीक है कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जो है जब उसने देखा तो उसको लगा कि कट ऑफ जो 85 जाएगी, 90 जाएगी। ठीक है, उसने तैयारी नहीं की। अब जब रिजल्ट आया तो उसको पता चला कि उसका सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन अब फायदा क्या कि उसने वो जो 15-20 दिन जो है वो जो कीमती समय था वो उसने वेस्ट कर दिया। तो सर, ये जो प्रीलिम्स के एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इन सभी प्रीलिम्स के एस्पिरेंट्स को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपका सिलेक्शन चाहे हो रहा हो तो भी, नहीं हो रहा हो तो भी, आपको इस समय को जो है मेंस की तैयारी में लगाना चाहिए। राइट, अगर आप जो है अब मेंस की तैयारी में जुट जाते हैं और ईश्वर की कृपा होती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका ये समय जो है ये वेस्ट नहीं होगा और मेंस की तैयारी आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। और अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात मान भी लूं कि चले कट ऑफ हाई जाती है और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो कम से कम ये जो समय है, क्योंकि अब ये जो प्रीलिम्स होगा अगला जो है वो फिर आपका जो है मई में होगा। ठीक है, तो ये समय जो है मेंस की तैयारी करने का है, आंसर राइटिंग का है, सिलेबस को देखने का है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने का ये सही टाइम है। तो आप इन चीज़ों को देखें, और इसीलिए नालंदा आईएएस एकेडमी ने जो है अपनी टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया है। राइट, अपने यहाँ जो है फाउंडेशन बैचेस को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अपने यहाँ जो है जो ड्रॉप आउट बैचेज हैं उसको लॉन्च कर दिया है, मेंटोरशिप के जो प्रोग्राम्स हैं उसको लॉन्च कर दिया है, स्ट्रेटेजिक बैचेज जो हैं, क्रैश कोर्सेज जो हैं, हर तरह की चीज़ों को जो है लॉन्च कर दिया है। तो सर, आप ये किस बेस पे कह रहे हैं कि लास्ट ईयर की कट ऑफ 75 के आसपास थी तो इस बार भी उसके आसपास रहेगी, जबकि सभी ये दावा कर रहे हैं कि वो 90 के आसपास होगी? देखिए, मेरे पास कोई इस तरह का कॉन्क्रीट बेस तो नहीं है, क्योंकि मैं अपनी लिमिटेशन को मतलब स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है। लेकिन दो बातों पर मैं फिर भी आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूं। पहली, कि पिछली बार भी कोई भी गेस नहीं कर पाए थे कि 75 के आसपास कट ऑफ जाएगी। दूसरी बात, ये इलेक्शन ईयर है तो वैकेंसी बढ़ी है, और आप जानते हैं कि जब ज्यादा वैकेंसी होती है तो कंपैरेटिवली कट ऑफ जो है वो कम जाती है। तो अगर आप इन दो बातों का ध्यान रखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ जो है इतनी ज्यादा नहीं जाएगी जिसकी संभावना बाकी इंस्टीट्यूट्स जता रहे हैं। तो सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं एग्जिट पोल की तरह ही ना हो जाए कि फाइनल में जो ओरिजिनल रिजल्ट आ रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल सही, एग्जिट पोल में ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने दिखाया किसी और पार्टी को जीतते हुए और फाइनली कुछ और पार्टी जीती। ठीक है, देखिए ये ह्यूमन लिमिटेशन है। ठीक है, कोई भी जो है मतलब कि वो ईश्वर नहीं है, ठीक है, जिसके पास जो है भविष्य को देखने की पूरी क्षमता हो। हम सभी मानव हैं, मानव होने के नाते हमारी सीमाएं भी हैं और हमसे भूल भी हो सकती है। थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट ऑल एस्पिरेंट्स।